Hello. Good evening. Good evening, sir. Yeah, good evening. मार्केट ओवरबॉट है, हमें टारगेट निकाला था लास्ट टाइम, जो क्वार्टरली का टारगेट था वो पहला कंप्लीट किया है उसने। देखते हैं टारगेट पहला क्या था क्वार्टरली के हिसाब से। मैंने क्वार्टरली का चार्ट लिया है, ये जो हाई है और ये लो है, इसका मैं डिफरेंस ले लूँगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,552 माइनस 9831, अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट आ रहा है। उसमें से हाफ करता हूँ तो 350 पॉइंट होता है, और 350 में ऐड कर ले क्लोज में ऐड करता हूँ तो उसमें 10,530 क्लोज है, और उसमें 350 ऐड किया तो 10,880 निफ्टी ने 10,880 मार्क टच किया है। अभी भी मार्केट बुलिश है, लेकिन ये ओवरबॉट सिनारो में है, क्वार्टरली का ओवरबॉट सिनारो है। वीकली में भी देखते हैं तो वीकली का भी टारगेट उसने कंप्लीट किया है। हमने कैलकुलेट किया था शॉर्ट एवरेज कितना है, शॉर्ट एवरेज अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वीक का शॉर्ट एवरेज देखते हैं तो वो है 10,000, यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी ये इस शॉर्ट एवरेज की जो प्राइस दिख रही है वो दिख रही है कितना, 10,508। तो मैं 10,508 इंटू 1.06 करता हूँ तो 11,100, मतलब मार्केट 11,100 जाता है तो रिस्क लेवल में जाएगा। लेकिन ये क्वार्टरली टारगेट तो कंप्लीट किया है उसने, कभी भी वो रिस्क लेवल तक जा सकता है। और वीकली में भी चार्ट देखते हैं प्रॉपरली तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि गैप फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं, प्राइस शॉर्ट एवरेज से दूर होती जा रही है और ये कभी भी गिर सकता है। तो ऐसी कंडीशन सिनारियो में मार्केट है। 10,600 उसका सपोर्ट है, ये 10,600 ये बार में नहीं आया तो नेक्स्ट बार में आ सकता है, तो हमें अलर्ट रहना है। ये ऐसे कंडीशन में हम फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है, अवॉइड करनी चाहिए। जो कुछ पहले वाला बाइंग है उसको एग्जिट कैसे मिलता है वो देखना चाहिए और प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिनारियो में मार्केट जहाँ पे क्वार्टरली में किधर भी वो शॉर्ट एवरेज को टच नहीं किया है, ऐसे सिनारियो में मार्केट को करेक्शन देना जरूरी बनता है। तो ये हम देखते हैं मंथली का चार्ट, देखते हैं अभी भी आर एस ऊपर है, क्वार्टरली चार्ट में आर एस ऊपर है। मैं इधर ये अभी एवरेज प्राइस शॉर्ट एवरेज से मतलब क्लोज प्राइस जो है 10,870 और ये शॉर्ट एवरेज है 9,000, मतलब अभी 1,800 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है। 10,000 9,000 डिफरेंस है, नियर अबाउट 1,800। तो 1,800 मतलब 10,817 माइनस 9,000, 1,800 डिवाइडेड बाय 2, 900 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन होने के चांसेस अभी भी है। ये कभी भी ऐसे ओवरबॉट सिनारियो में मार्केट कभी भी गिर सकता है, इसमें टेक्निकल रीजन देखने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी के कंडीशन में क्या हो सकता है कि ओवरनाइट कैरी करना डिफिकल्ट रहेगा पोजीशन, क्योंकि नेक्स्ट दिन कभी भी ऐसे मार्केट रिस्क लेवल पे है तो कभी भी निफ्टी 100-150 पॉइंट तो ऐसे ही गिर सकती है। तो ये ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। हो सके तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है या कुछ इंट्राडे ट्रेड होता है तो देख के आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, जो बाइंग का ट्रेड रहेगा तो। लेकिन पोजीशन कैरी करना थोड़ा एफ एन ओ में तो कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब रिस्की रहेगा, तो ये आपको देखना है। अभी ये स्टॉक में हम
देखते हैं जिसमें क्वार्टरली मंथली में गैप कम है, ऐसे ही स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें उतना जरूरी नहीं बनता है, एसबीआई आपने सिलेक्ट किया है जो हमें अर्निंग दे सकता है क्योंकि डिफरेंस कम है। तो कभी भी मार्केट नीचे गया या उसके मार्केट के साथ में कभी स्टॉक नीचे गया तो रिकवर जल्दी हो जाएगा, तो ये ऐसी कंडीशन वाले स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करके रखने चाहिए। लेकिन ये कंडीशन निफ्टी का कंडीशन देखो कैसे है, गिरने की चांस नहीं बता रहा है क्योंकि मंथली का आरएसए अभी भी ऊपर ही है, मंथली के चार्ट में आरएसए अभी भी ऊपर ही है। तो एक लेकिन नॉर्मल करेक्शन भी निफ्टी में आ जाता है तो वो नॉर्मल करेक्शन शॉर्ट एवरेज तक, मतलब ये जो नॉर्मल करेक्शन दिखता है वो उतना 300-400 पॉइंट का नॉर्मल करेक्शन रहेगा निफ्टी में। तो वीकली के चार्ट में नॉर्मल करेक्शन देखते हैं, जहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं दिया है वो रिट्रेसमेंट का पॉइंट देते हैं, फिबोनाची से रिट्रेसमेंट देते हैं, ये लो से रिट्रेसमेंट उसने नहीं दिया है, ये हाई तक नहीं दिया है, तो इसका 50% रिट्रेसमेंट मतलब तो भी 10,650 आ जाता है जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल हो सकता है, मतलब ये तो भी 150 पॉइंट तुरंत आ गया नीचे, वैसे कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए कि ज़्यादा बाइंग में हायर लेवल पे बाय फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करना चाहिए। निफ्टी का सपोर्ट जो है ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक करेगा तो निफ्टी नीचे जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 10,500 इसका जो प्रीवियस हाई था वो सपोर्ट उसका रहेगा। अभी शॉर्ट सेल में कोई स्टॉक्स रहेंगे तो हम ढूंढ लेंगे और बाय में भी लेंगे। शॉर्ट सेल के लिए कैटेगरी के क्राइटेरिया रहेगा मंथली का आर एस है जिसमें नीचे है, अभी निफ्टी में मंथली निफ्टी का चार्ट है ये, मंथली का आर एस है अभी भी ऊपर ही है तो ये पोजिशनल शॉर्ट सेल नहीं बन रहा है। लेकिन ओवरबॉट सिनारो है तो कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग है तो आप कुछ बाय या कुछ बाइंग स्टॉक मिलते हैं तो डे एंड तक कैरी कर सकते हो इंट्राडे के हिसाब से। एफएनए होते हैं जो जो एफएनए करते हैं उनके लिए तो ये जरूरी है, डिलीवरी में थोड़ा अपने मेथड से करते रहेंगे स्टॉक्स तो कुछ प्रॉब्लम वैसे आने वाला नहीं है। जिसमें मंथली में आरएसआई जिस स्टॉक में कम है, सिग्नल लाइन के नीचे गया है, ये स्टॉक तो हमें अभी बाय के लिए बिल्कुल लेना नहीं है, जो पोजिशनल बाय के लिए तो बिल्कुल लेना नहीं है, कभी भी आके नीचे जा सकता है। ओके, कभी भी ये स्टॉक नीचे गिर सकता है क्योंकि ये क्वार्टरली में ओवरबॉट है, उसकी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 520 तक एक्सपेक्टेशन है या 500 तक एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो हमें ये देखना है कि ये कभी भी गिर सकते हैं मंथली का आरएसए सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन, जिस जो जो स्टॉक में है वैसे स्टॉक शॉर्ट सेल के लिए अच्छे रहेंगे वीकली एसट्री के कॉम्बिनेशन में। जिसमें मंथली का आरएसए सस्टेन बिलो सिग्नल लाइन है वैसे स्टॉक हमें बाय में आते हैं तो तुरंत एग्जिट भी लेना चाहिए। जो जिस स्टॉक में मंथली कार्य से सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन है वैसे स्टॉक हम वैसे बाय में नहीं रखने चाहिए। जैसे मार्केट बाय में आ जाता है तो अपने जो स्टॉक बाय वाले हैं वो तुरंत ऊपर आ जाएंगे, मार्केट के साथ में भले वो नीचे जाएंगे लेकिन बाद में ऊपर आ सकते हैं, जल्दी आ जाएंगे। ओके, वीकली H3 कॉम्बिनेशन को, वीकली H3 H1 ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें ही काम करना पड़ेगा। अभी आपके क्वेश्चंस।
शॉर्ट सेल में ये मंथली का जिस स्टॉक में मंथली का RSI सिग्नल लाइन के नीचे है वो वीकली S3 के कॉम्बिनेशन में शॉर्ट सेल होता है, और जिसमें मंथली का RSI और क्वार्टरली का RSI भी ऊपर है ऐसे स्टॉक बाय में जा सकते हैं। लेकिन लोअर एंड कोई स्टॉक नीचे गिर गया है और ये चार्ट बताना चालू किया है मंथली का चार्ट, तो भी आप पैनिक मत होना, वो स्टॉक डिलीवरी के लिए है तो ऊपर आएगा, अपने कॉस्टिंग दे देगा, तो इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, लेकिन ये कॉस्टिंग मिल जाएगी या अपना प्रॉफिट भी मिल जाएगा। कि हम सिलेक्ट करते समय खाली मंथली का चार्ट के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करें, क्वार्टरली का भी RSI देख रहे हैं, क्वार्टरली के भी MACD देख रहे हैं, शॉर्ट एवरेज अबव मिड एवरेज देख रहे हैं, शॉर्ट एवरेज और मिड एवरेज का डिफरेंस कम है ऐसे स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे जनरली उल्टा होने के चांसेस थोड़ी कम रहती है। ओके, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जिट तो जरूर है, तो एग्जिट तो लेना चाहिए स्टॉक में। ओके, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ लेना। सर ये LNT आज जो है वो नीचे आया था, तो अभी उसको जो है वो आधा तो छोड़ा है, बाकी का भी छोड़ दें क्या सर? तो बेटा छोड़ना नहीं तो 1300 के पास एंट्री है इसकी, वापस 1300 से वापस ऊपर जाएगा। वैसे एक्चुअली 1300 पे सपोर्ट है उसका 1300, तो वहां पे एक बार स्टॉप लॉस लगा के खड़ा रहूं, आगे जा सकते हैं। ओके सर, आपने आज रिकमेंड किया था टॉरेंट फार्मा। टॉरेंट फार्मा मैंने रिकमेंड किया डिलीवरी के लिए। ओके, वो वहाँ पे मंथली का है, एक दो दिन का ट्रेड है। एक्चुअली क्या है, ये मंथली का क्लोज भी क्वार्टरली में क्लोज भी दिया है, मंथली में बुलिश है ये। ओके, तो और ब्रेकआउट पे है, तो कोई ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट पे है, तो जनरली ये स्टॉक 1550 जाता है, और फार्मा सेक्टर सब ओवरसोल्ड में है, सब स्टॉक सेक्टर जो है ओवरसोल्ड में है, तो ये होल्ड करने जैसा रहता है। इंट्राडे ट्रेड इसमें बाय का ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होने वाला, जब भी मार्केट सेल में आ जाएगा तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो मार्केट जो दिखेगा मतलब क्या हुआ है, अभी ज़्यादा ही कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगी है। ये जनरली हायर रेंज में जब भी मार्केट जाता है तो होती रहती है, तो ये काफ़ी हायर रेंज में कहने जाने के बाद ये जनरली ऐसे होती रहती है हमेशा, क्योंकि उसमें बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है, ग्रीडीनेस आ जाता है, और इसकी वजह से होती है जनरली। तो वो टाइम पे हमें एक्चुअली ये सेल सिनारियो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ओवरबॉट सिनारियो है। अभी मार्केट कैसे गिर कभी गिरेगा वो नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अभी तो दिखता नहीं है मार्केट गिरेगा करके, लेकिन जो बाइंग रहेगी वो एंड ऑफ द डे में कंप्लीट करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो गिर सकता है। गिरने के बाद मार्केट में वापस मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नीचे। अच्छा सर, अडानी पावर जरा देखिए ना सर। अडानी पावर अभी बाय मत करना, सेल का 830 का टच किया उसने। अभी बाय मत करना, थोड़ा रिट्रेस होने दो, होल्डिंग करना पड़ेगा अभी, क्या रहेगा थोड़ा। अच्छा
सर अभी बाई नहीं है ना सर उसका, अभी मेरे ख्याल से ये लेवल से ये लेवल तक आ सकता है, 42 तक आ सकता है। ओके प्रॉपर बाय नहीं है लेकिन 42 आ सकता है, रिट्रेस्ट होता है। ओके वो रिट्रेसमेंट का परचेज है, परचेज है वो रिट्रेसमेंट का परचेज है, H1 के चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ओके सर ओके थैंक यू सर। लास्ट बाय हेलो सर, नाट बायो हेलो क्या सर, नाट बायो NATH बायो NATH बायो स्पेस बायो बीआईओ नाट बायो हेलो हाँ सर। सर मैं इंजीनियरिंग इंडिया लिया हूँ तो अभी नीचे जा रहा है सर। दो सौ दो की बाई है सर मेरा। एक्चुअली क्वार्टरली बुल है, 165 के प्राइस पे वापस एंट्री कर लेगा। ओके तो सर इसी एग्जिस्ट हो जाए। हाँ अभी 202 का बाई है, स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया है तो अभी एग्जिस्ट होना चाहिए। नहीं जरूरत नहीं है, ये लेवल पे एग्जिट मत हो ना, अभी थोड़ा 165 जाता है तो वापस बाय कर लेना। ये एक्चुअली क्या हुआ है, वीकली का RSI नीचे आया था ना, अभी ये पिछली के मिड एवरेज पे बाय होना चाहिए था। ओके ये जो 200 का बाय था वो एग्जिट करना चाहिए था, उधर ऊपर गया था तभी, उसके बाद में RSI देखो इधर नीचे आ गया है तो इसकी वजह से वो ये लेवल बाय होता है। ये लेवल बाइंग लेवल है लेकिन यहाँ पे H3 के चार्ट में किधर बाय सिग्नल नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक थोड़ा लो में बाय रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 165 के आजू बाजू में ये क्वार्टरली का शॉर्ट एवरेज पे बाय है। अच्छा जो क्वार्टरली का शॉर्ट एवरेज है 162 जो है प्राइस वो अच्छा बाय है, आपको कुछ जरूरत नहीं डरने के, वो 160 आता है तो वापस एक बाय कर लेना ना क्वांटिटी। ठीक ठीक है प्राइस तो आ जाएगी, थोड़ा घूम के आ जाएगा लेकिन आ जाएगी। क्वार्टरली बुलिश स्टॉक रहता है उसमें जनरली क्वार्टरली बुलिश और मंथली बुलिश जो रहते हैं वो क्वार्टरली के वीकली के मिड एवरेज पर वीकली के शॉर्ट एवरेज पे बाय रहता है, डिपेंड अपॉन द RSI ऑफ वीकली चार्ट। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो सर। हाँ सर कैनरा बैंक खूब खाली आ रहा था। कैनरा बैंक जस्ट होल्ड इट उसमें एक्चुअली होल्ड करो ना सर, hold that people don't try to book loss because 320 will be the best buy again. Okay theek and take a hands on weekly H3 combination because weekly H3 combination is only suitable for swing trade and hello 320 again you will hello buy. Okay sir hello. Thank you. हेलो सर। हेलो हेलो हाँ बोलो सर। बल्लपुर इंडस्ट्री सर नीचे आ रहा है, मैं सुनाई नहीं दे रहा क्या हो गया। बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री कौन सा? बल्लारपुर बलरामपुर सर, वो बल्लारपुर। ये तो मिड एवरेज शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज से नीचे है ना। हाँ सर तो मार्केट के साथ अभी ये देखो जो मिड कैप चलते हैं ना वो सब उल्टे चालू करेंगे,
तो आपको एग्जिट करना है, एक्चुअली प्रॉफिट बुक करना है तुरंत। तो मार्केट जैसे ओवरबॉट होता है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप वाले बाइंग में चलते हैं, तो समझने का कि ये मार्केट का सिनारियो आ गया है, एंड आ गया है, अभी उसमें से जब जब प्रॉफिट मिलता है वो लेना चाहिए। ओके सर। वीकली में जब ये आरएसआई ऊपर जाता है और वॉल्यूम कम रहता है तभी एंट्री करना चाहिए, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो एग्जिट करना चाहिए। वापस जैसे वॉल्यूम कम हो जाएगा, आरएसआई ऊपर से नीचे आ जाएगा तभी बाय कर लेना, वो ऊपर जाएगा वापस। ठीक है सर। ओके सर। एचसीसी इज आल्सो द एचसीसी सर। एचसीसी बाय बाय सर। आई कैन बाय, जस्ट होल्ड। ओके ओके। ईयरली करेक्शन चल रहा है उसका, होल्ड कर ले। एग्जिट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते रहो। ओके ओके सर। सर कर्नाटका बैंक अभी भी होल्डिंग है और अभी भी बाइंग है ना? एटीके बैंक सर। टाटा पावर एग्जिट करना है क्या सर? टाटा पावर अभी तो एग्जिट नहीं है, अभी तो एक्चुअली एंटर है। ओके सर। 87 का बाय था, 100 टच करके आया सर, उसके बाद नीचे आ गया सर इतना। हाँ तो ये एवरेज से दूर है तो एवरेज के पास आता है ना, एवरेज से दूर है तो एवरेज के पास आ जाता है, क्योंकि कंप्लीट किया था ना टारगेट। ओके। निफ्टी में टारगेट कंप्लीट किया है तो वैसे जब अभी देखा था निफ्टी में, हम लोग ने कैलकुलेट किया था ऐसे ही इधर हो गया ना, हाई कितना है 97, तो कितना है 77, 20 रुपीज प्लस 103 टारगेट कंप्लीट किया उसने अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद में नीचे आना चालू कर। वैसे ही हुआ है ना, इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ, निफ्टी में वो वैसे ही हुआ है, जो हाई वैल्यू है उसका 50% एक्सटेंशन हुआ है और वो उल्टा मार सकता है अभी, वैसे रहता है, तो इसलिए एग्जिट करना चाहिए। वो नीचे जाएगा, अभी ये लेवल पे एग्जिट नहीं है, ये लेवल पे एंट्री मिलेगी कहा ना कहा। ओके, एनी क्वेश्चन? या गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।